हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रोम डेवलपर टूल्स में हम जो भी अभी तक स्टाइल वगैरह लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से दिखती है और ब्राउज़र अपनी तरफ से क्या डिफ़ॉल्ट ऐड करता है। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्रोम टूल में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है एक डिव बनाते हैं और एक इमेज टैग बनाते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इसमें आपको जो ब्राउजर ओपन करना है वो गूगल क्रोम ओपन करना है। तो चलिए मैं चैप्टर 6 में एक फाइल बनाता हूँ और सबसे पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ यहाँ पर एक डिव। ओके, और इस डिव की मैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक बनाता हूँ इमेज, ठीक है। और इस इमेज की जो लिंक है मैं अनस्प्लैश से कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी एक अनस्प्लैश में से इमेज उठा लेता हूँ फ्री वाली। ठीक है, और इसको हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में और लाइव विद सर्वर। तो ये जो है मेरा डिफॉल्ट सर्वर में ओपन हो रहा है, मतलब मेरा एज है, तो इसको मैं ओपन कर यही एड्रेस मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ ओपन कर लूँगा। आपका भी यदि डिफ़ॉल्ट कहीं और ओपन हो रहा है तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आने के बाद में ये इमेज नहीं आया, तो इस इमेज का लिंक शायद मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपी इमेज एड्रेस। अब देखिए इमेज आ गया। अब क्या करना है आपको, अब जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि क्रोम टूल कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो क्रोम टूल ओपन करने के लिए क्या मेथड है, आपको जो भी पेज आप ब्राउजर पे देख रहे हो, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करिए ब्राउजर पे। तो ये ब्राउजर पे मैंने यहाँ पे तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये मैं यहाँ पे एक इंस्पेक्ट दिख रहा है इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे एक एलिमेंट्स का टैब दिखेगा, ठीक है, और नीचे स्टाइल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसकी आपको सेटिंग करनी है, इसकी आपको सेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है एक ये इस तरीके से सेट हो जाएगा या इस तरीके। तो जो भी सेटिंग आपको अच्छी लगती है उस सेटिंग के हिसाब से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोई एक सेटिंग ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेता हूं, ठीक है, यानी ये मेरा ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। और उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो है देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर नज़र आएगा आपको। यदि आप ये छोटा रहेगा आपका विंडो तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए ताकि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने बनाया है, देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये स्टाइल है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, जो हमने बनाया है, जो भी हमने यहाँ पे बनाया है, वो ये हमने जो भी कुछ बनाया हुआ है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एलिमेंट्स के अंदर। ये हमारा हेड है, बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये हमारा डिव, डिव के अंदर हेलो फ्रेंड्स, और उसके बाद में एक इमेज। तो अब ये कैसे, मतलब इसको देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इमेज के यहाँ स्टाइल्स के नीचे मेरे को ये इमेज दिख रही है अभी यहाँ पे। देखिए कोई भी स्टाइल अप्लाइड नहीं है ब्राउज़र, मतलब कोई डिफ़ॉल्ट स्टाइल नहीं है। अब उसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखते हैं तो कुछ डिफॉल्ट स्टाइल दिख रही है आपको, H1 टैग में कुछ डिफॉल्ट स्टाइल है, उसने वो ले लिया है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर इमेज टैग पे जाना है और यहाँ पर इस टैब पे यहाँ पे मैं विड्थ सेट करता हूँ इसकी, तो विड्थ यहाँ पे W टाइप करूँगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको टैब दबाना है और यहाँ पर जितनी विड्थ सेट करना है, लेट्स से 50 पिक्सल 50 पिक्सल,
उसके बाद आपने एंटर मारना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इमेज की जो साइड मतलब विड्थ है वो यहाँ से मैं सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल दिख रहा है एरो, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए मैं हिला रहा हूँ, आपको दिख रहा है। अब इसको क्लिक करके मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो देखिए बढ़ रहा है, और इधर ले रहा हूँ तो देखिए घट रहा है। तो क्या हो रहा है, ये ब्राउजर एक्चुअली क्या कर रहा है, विड्थ बढ़ा रहा है और घटा रहा है। तो यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टाइल दी, अभी अभी मैं इस पेज पर नहीं गया हूँ, ठीक है। ये मैं यहीं से दे रहा हूँ ताकि मैं टेस्टिंग करके देख सकूँ कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। अब इसी पर मैं और स्टाइल लगाता हूँ, जैसे मैं देता हूँ इसका बैकग्राउंड देता हूँ ब्लू, ठीक है। एंटर मार देंगे, आप देंगे मार्जिन, एंटर मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल। तो देखिए ये कल जो मैंने आपको मतलब लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया था पैडिंग वगैरह, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे मैं ये क्लिक हटा दूंगा तो देखिए आपको समझ आ जाएगा कि पैडिंग से क्या हो रहा है और ये मार्जिन से क्या हो रहा है। मार्जिन से देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, जैसे ही मार्जिन लग रही है अब यहाँ पे देखिए इमेज में देखिए कि थोड़ा सा मैं इसका विड्थ बढ़ाता हूँ। अब देखिए मार्जिन मैं लगा रहा हूँ तो देखिए कैसे मार्जिन से हट रहा है, और पैडिंग लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर भी फिर मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखिए ये आपको लाइव दिखना चालू हो जाएगा। ये देखिए मार्जिन में बढ़ा रहा हूँ तो ये सरकते हुए चला जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा नीचे ले लें, देखिए यहाँ पे मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये कैसा मार्जिन, चारों तरफ से मार्जिन लग रही है। अब मैं मार्जिन इसको बोलता हूँ ओनली लेफ्ट, ठीक है। मैं वापस से सेट करता हूँ पूरी मार्जिन, लेफ्ट यहां से देता हूं मैं 30 पिक्सल या लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये मार्जिन देखिए, अब ये मार्जिन आ गया यहां पर। आप क्या, मैं इसको सरका रहा हूं तो देखिए ये लेफ्ट की तरफ सरक रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप यहां पर आकर के मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और बाद में आपको ये स्टाइल पसंद आई तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने कॉपी रूल किया यहाँ पर और यहाँ गया मैं अपनी, अब क्या होगा जैसे ही मैं इसमें सेव करूँगा तो वो सारा कुछ चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ये सर्वर पे जो भी चेंजेस होते तो रिफ्रेश होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लगा रहा हूँ स्टाइल तो वो उधर से निकल गया। देखिए ये मेरी स्टाइल थी इमेज की, तो मैंने यहाँ पे इमेज को लगा दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए इमेज की एक्चुअल जो हमने, ये कहाँ से आ रहा है, अब ये हमने लगाई हुई जो है वो आ रही है। बात समझ में आ रही, ये जो मैंने लगाई है, मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये देखिए रिफ्रेश हो जाता है। मैंने आपको बोला ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो ये वापस से मैं लगा देता हूँ। सो दोस्तों ये एक तरीका है जिससे हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब कैसे डायग्रामेटिकली, जैसे ये मार्जिन कितनी ले रहा है, पैडिंग कितनी है। जैसे ये इसमें हमें पैडिंग दिख रही है 13 पिक्सल, तो ये देखिए पैडिंग यहाँ पे 13 पिक्सल है। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट से 43 है, बॉर्डर कुछ लगाया नहीं है तो बॉर्डर के बारे में कुछ है नहीं, चाहिए तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो देखिए ये बॉर्डर भी यहाँ पे आ गया। सो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप अपना जो भी है आप यहाँ से टेस्टिंग कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो
दोस्तों ये यहाँ पर, और जैसे ये यहाँ पे आते हैं आप, अब जैसे मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है या डुप्लीकेट करना है इसी को, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे दो बन गए, लेकिन मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो वो चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसी पेज के लिए है, वो इसी पेज के लिए आपको यहाँ पे टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं, तो इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो गया यहाँ से। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ये सारी सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है CSS में। मतलब काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ विदाउट डूइंग थिंग्स इन हियर। तो आपको ये टूल को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, यूज़ करना होगा, तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस क्रोम टूल के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।